हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज हम आए हैं ब्यावर के पास। सरी सीमेंट एक बहुत ही बड़ा प्लांट है जहाँ पे सरी सीमेंट नाम से है, और यहाँ पे सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग होती है, और यहाँ पे कुछ रॉ मटेरियल भी बनाया जाता है, जैसे कंक्रीट से रेत बना के जो सीमेंट के लिए जो यूज़ होती है उसको भी यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है। और यहाँ पे बिजली भी उत्पादन की जाती है। यहाँ पे मेगा पावर हाउस बना हुआ है, वहाँ पे विद्युत उत्पादन की जाती है। तो अभी आप वीडियो में बने रहे हैं, और आज इस ब्लॉग के अंदर आपको सरी सीमेंट के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, और सरी सीमेंट का एक नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरह से सरी सीमेंट दिखती है और क्या है उसके अंदर क्या सिस्टम है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो सरी सीमेंट के अंदर कितना पर्यावरण का ध्यान रखते हुए कितना अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, छोटे छोटे पेड़ और बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए हैं, और आते जाते लोगों को बहुत ही सुहाना लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने वालों को। आप लोग देख सकते हो इस पूरी रोड के अंदर बहुत ही अच्छे खूबसूरत प्यारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, बहुत ही अच्छी लग रही है सरी सीमेंट। आप ऊपर से व्यू देख सकते हो सरी सीमेंट का, बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। तो गाइस, आप देख सकते हो ये जो पेड़ पौधे हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत सारी नीमड़ियों का पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे, और सरी सीमेंट का ये बना के उनमें पेड़ पौधों को रखा गया है। सरी सीमेंट के अंदर बहुत ही अच्छा वातावरण है, आप देख सकते हो यहाँ के लोग बहुत ही अच्छा तरीके से, ये देख आप लोग देख सकते हो गाइस, यहाँ पे पेड़ पौधों को टंकर के द्वारा पानी पिलाया जा रहा है। ये भाई साहब टंकर के ऊपर बैठ के पानी पिला रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, हम आ गए सरी सीमेंट प्लांट के पास में। यहाँ पे ये बगीचा बना हुआ है, वहाँ हम बैठे हैं, और अभी हम सरी सीमेंट के बारे में कुछ जानकारी बता देते हैं आपको। सरी सीमेंट की स्थापना 1979 के अंदर हुई थी, और इसके जो चेयरमैन साहब हैं वो बीजी बांगड़ साहब हैं, और ये सरी सीमेंट के जैसे ही 13 और प्लांट हैं इनके, वो भी अच्छी तरीके से चल रहे हैं अभी सुचारू रूप से। और एक चीज़ और है कि ये जो सरी सीमेंट का जो प्लांट है ये सबसे पुराना प्लांट यही है, यहीं से ही सरी सीमेंट का जो नींव बनी थी यहीं से बनी थी, और धीरे धीरे उन्होंने अपने और भी जगहों पे प्लांट स्थापित किए गए हैं। सरी सीमेंट के टोटल 13 प्लांट हैं, जिसमें से इस प्लांट की सबसे पहले स्थापना की गई थी 1979 में। आप लोग देख सकते हो सरी सीमेंट का जो नज़ारा है बहुत ही शानदार लग रहा है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है कि जो हरियाली है बहुत ही खूबसूरत है, और ये देख सकते हो बहुत ही बड़ा प्लांट बना हुआ है, और एक ये जंग रोधक सीमेंट करके एक टंकी बनी हुई है, यहाँ से पूरी सरी सीमेंट के लोग स्टाफ के लोग पानी पीते हैं। ये जो प्लांट बना हुआ है इसके ऊपर से ही वो जो सीमेंट के बम्पर बने हुए हैं वहाँ उसके थ्रू ये होपर में होते हुए सीमेंट पैकिंग होती है, और वहीं से सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, और वहाँ से इकट्ठे पैक किए जाते हैं सरी सीमेंट के। ये सरी सीमेंट की पार्किंग है, यहाँ पे आप देख सकते हो साहब लोगों के और स्टाफ के जो भी लोग हैं उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रॉले और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आती है। जैसे सीमेंट बनी हुई है तो सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए होता है, और ये जो दूसरी जैसे कंक्रीट हो गए या फिर जो रॉ मटेरियल हुआ उनको ट्रांसफ़र करने के लिए है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ये मिट्टी है, ठीक है, इस मिट्टी को और कुछ स्पेशल पत्थर होते हैं उनको मिला के सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो ये रॉ मटेरियल है, इसके अंदर ये मिट्टी यूज़ किया जाती है, ये पत्थरों को तोड़ के इनका ये मिश्रण बनाया गया हुआ है। ये गाड़ियाँ जा रही है यहाँ से ट्रांसपोर्ट एरिया के लिए, अगर सीमेंट कई गाड़ियाँ होती है जो सीमेंट लेके जाती है, कुछ गाड़ियाँ होती है जो रॉ मटेरियल लेके जाती है, तो वो ये गाड़ियाँ जाएगी अंदर और वहाँ से ये पैकिंग करके फिर यहाँ रस्सा तरपाड़ वाले जो लोग हैं वो यहाँ से रस्सा तरपाड़ पैक करते हैं। अभी हम आपको रस्सा तरपाड़ डिपार्टमेंट पे लेके जाते हैं, इसके अंदर भी 3 तरह की शिफ्टिंग होती है। आप लोग देख सकते हो ये रस्सा तरपाड़ का डिपार्टमेंट है। तो गाइस, आप लोगों को अभी हमने सरी सीमेंट का नज़ारा दिखाया है, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद हम यही करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करें।
ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए इसी तरह के प्यारे प्यारे वीडियो बनाते रहे। जय जवान, जय किसान।